मैगी खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का कद्दू भर प्यार भरा नमस्कार। भाई ये कद्दू क्या कर रहा है यहाँ पर? कद्दू से खाना बनाएंगे, हलवा बनता है, सब्जी बनती है। आज का जो हमारा स्पेशल एपिसोड है वो है उत्तर प्रदेश स्पेशल। जी हाँ, यूपी का खाना बहुत बढ़िया, टेस्टी, डिलिशियस, मसालेदार, और इतनी बढ़िया बढ़िया जगहें हैं यहाँ पर घूमने वाली। अगर ताजमहल यूपी में है तो यहाँ का खाना भी कुछ अच्छा ही होगा ना। देखिए जो अवधि खाना है वो कितना बढ़िया होता है, लेकिन जो आज मैं आपको बताऊँगा सिंपल यूपी का घर का खाना। शुरुआत करते हैं कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी से। तो ये जो कद्दू की सब्जी है इसके लिए सबसे पहले जो कद्दू है वो आप ले लें और उसे छील कर इसको काटना है। तो ये छिला हुआ मेरे पास पड़ा हुआ है तो इसे काट लेते हैं हम। आहा, मेहनत वाला काम। और उसके बाद इसके जो पीसेस हैं वो ज्यादा बड़े नहीं रखने हमने और एकदम छोटे भी नहीं, ये लीजिए। और अब इसे पकाना कैसे? खट्टी मीठी सब्जी बनानी है तो इसके लिए थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। ये तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम डालते हैं मेथी, मेथी दाना, और इसके साथ साथ इसमें डाल देते हैं हींग। और अब इसे मेथी को थोड़ा सा रंग देना है हमने, तो ये मेथी ने बदला रंग। और अब मेरे पास हरी मिर्च है तो वो भी डाल ही देता हूँ मैं। और उसके साथ साथ ये कद्दू। और अब इसमें काम करते हैं, इसमें हम डालते हैं नमक। ये नमक इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये जो कद्दू है इसमें से इसका पानी जल्दी निकले और ये जल्दी पके। और ये जो सब्जी है ये थोड़ी सी मैश्ड स्टाइल में होनी चाहिए, एकदम खड़ा खड़ा कद्दू नहीं होना चाहिए इसमें, थोड़ा सा मैश होना चाहिए इसमें। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें बाकी चीज़ें डाल देते हैं, हल्दी पाउडर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और धनिया, धनिया पाउडर, और इसके साथ कुछ पतला लंबा कटा हुआ अदरक, और इसके साथ साथ लाल मिर्च, लाल मिर्च डालकर ये लीजिए। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी, और पानी डालकर ढक्कन लगाकर इसको पकने दें जब तक ये जो कद्दू है ये गल ना जाए। चलिए ढक्कन लगाकर इसको हमने पका लिया है, देखते हैं कि ये पका है या नहीं पका है। अभी पूरा नहीं पका है, अभी इसमें कसर है, लेकिन चेक तो कर लें कि कितना पका है। ये हाँ गला है लेकिन इतना नहीं गला जितना हमें चाहिए, इसे और गलाना है हमने। लेकिन एक काम कर सकता हूँ मैं, इसमें जो खट्टा मीठा टेस्ट है वो दे देते हैं। ये आ गया मीठा और ये आ गया खट्टा, और उसके साथ साथ इसमें डालें हरा धनिया। धनिया डालकर इसे हम मिक्स कर देते हैं और अब ढक्कन लगाकर पकने दें मीडियम हीट के ऊपर करीब 10 मिनट तक। और थोड़ा ज़्यादा गल जाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ता, परवाही ले, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं पकना चाहिए, हल्का सा मैश हो बस, यही टेस्ट है। लेकिन अभी नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम कद्दू कटा हुआ, 3 बड़े चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, चुटकी भर हींग, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का पतला और लंबा कटा हुआ, 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच चीनी, 1.5 बड़ा चम्मच नींबू का रस और 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें मेथी दाना, हींग, हरी मिर्च और कटा हुआ कद्दू डालकर भून लें। अब इसमें नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कटा हुआ अदरक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर मिलाएं और इसे ढककर करीब 15 मिनट तक पका लें। अब इसमें डालें चीनी, नींबू का रस और कटा हुआ हरा धनिया। इन सब चीजों को मिक्स करें और एक बार फिर मध्यम आंच पर करीब 10 मिनट तक पकाएं और गर्मा गर्म परोसें।
मैगी खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। आज हम बना रहे हैं उत्तर प्रदेश का खाना और इसमें घर का खाना, सिंपल खाना। आज बनाते हैं एक ऐसी डिश जो आप ऐसे बना सकते हैं, लंच डिनर सब पे चलेगी। मंगोड़ी मटर आलू की सब्जी, मंगोड़ी आलू मटर की सब्जी। इसके लिए आपको चाहिए मंगोड़ी और ये बाज़ार में बनी बनाई मिल जाती है, मूंग दाल की बड़ी मंगोड़ी। और इसके लिए जो तैयारी करनी है मैं आपको बताता हूँ। आप इसे ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, नहीं तो थोड़े से तेल के अंदर रोस्ट कर सकते हैं, दोनों चलेंगे। थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। अच्छा, इसमें आलू चाहिए तो ये जो आलू लिए हुए मैंने छील कर रखे हैं, आलू को थोड़ा छोटे टुकड़ों में काट रहा हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं। ये तेल, मंगोड़ी और इसे पका लें। ये हमने भून लिया मंगोड़ी को और अब तेल और फिर इसमें हींग का छौंक और उसके साथ साथ जीरे का छौंक, इसके साथ साथ हल्दी और अब इसमें हम डाल देते हैं ये आलू बस, और इसके साथ साथ नमक। आहा, अब क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए इसमें ढक्कन। ढक्कन लगाकर आलू को पकने देते हैं। और क्या क्या चाहिए? मंगोड़ी हमने तैयार कर ली है, इसके साथ साथ मटर आपको चाहिए तो मटर आजकल लोग फ्रोज़न ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फ्रोज़न तो बाद में ही डालेंगे, लेकिन अगर आप कच्चे जो मटर के दाने इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस समय डाल सकते हैं आप आलू के साथ, क्योंकि दोनों को पकने में समय लगता है, आलू को भी और मटर को भी। लेकिन अगर फ्रोज़न है तो बस उसको आपने थॉ कर लिया और ये देखिए मटर का दाना तो गला ही हुआ है ये, तो इसको बाद में डालेंगे। अब ये जो आलू पक रहे हैं ये देख लेते हैं कि इनकी हालत क्या है। अब इसके अंदर धनिया पाउडर और उसके साथ लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये सब मसाले डाल दिए और मसाले डालकर ये आलू और इसमें हम डालते हैं ये थोड़े से टमाटर, टमाटर डाल दिए और इसके बाद इसमें डालते हैं पानी। देखिए आलू को ढककर पहले हमने पका लिया, अब जो थोड़ी सी कसर है आलू में वो पूरी हो जाएगी जब हम पकाएंगे थोड़ी देर। और मंगोड़ी डाल दी, मंगोड़ी डालने के बाद मटर के दाने और फिर सब चीज़ों को करें मिक्स। अब ढक्कन लगाकर इसको पकने दें आप मीडियम हीट के ऊपर 10 मिनट तक, ये पकते रहें, आलू भी पक जाएंगे, मंगोड़ी भी गल जाएगी, उसके साथ साथ जो ग्रेवी है वो और थिक हो जाएगी और यूपी स्टाइल के अंदर ये मंगोड़ी और आलू और मटर की भाजी, नहीं भाजी नहीं, सब्जी तैयार। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एग्री कैप। मैं जाता हूँ कचौड़ी खरीदने। इसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप मटर के दाने, 1/2 कप मंगोड़ी मूंग दाल की बनी हुई, 2 आलू कटे हुए, 2 बड़े चम्मच तेल, चुटकी भर हींग, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 टमाटर कटे हुए। इसे बनाने के लिए एक पैन में 1 छोटा चम्मच तेल गरम करके इसमें मंगोड़ी डालकर भून लें, बाकी बचे हुए तेल को गरम करके इसमें हींग, जीरा, हल्दी पाउडर और आलू डालकर भूनें। अब इसमें नमक डालकर इसे ढककर करीब 3 मिनट तक पकाएं। अब इसमें डालें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर, इन सब चीजों को मिक्स कर लें। अब कटे हुए टमाटर, 2 कप पानी, मंगोड़ी और मटर के दाने डालकर मिक्स करें और इसे ढककर मध्यम आंच पर करीब 10 मिनट तक पकाएं और जब आलू पूरी तरह से गल जाएं तो इसे निकालकर गर्मा गर्म परोसें।
उत्तर प्रदेश में जहाँ एक तरफ जायकेदार बोलियाँ हैं, वहाँ दूसरी ओर बढ़िया बढ़िया नज़ारे और स्वादिष्ट खाने भी हैं। चाशनी से चमकती मीठी जलेबी, गर्मा गर्म नल्ली निहारी या महकती बिरयानी, उत्तर प्रदेश के खाने का स्वाद एकदम निराला है। वेलकम बैक, मैगी खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं उपासना। वेलकम टू द शो। टेलीविजन की तो बहुत आदत हो गई ना। कितना समय हो गया ये अस्तित्व से पहले कुछ किया था? नहीं, अस्तित्व मेरा पहला है। अरे वाह, अस्तित्व बहुत अच्छा सीरियल है और जो रोल है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब काफी काफी कुछ करने को है ना। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हंसते मुस्कुराते रोते सब कुछ करना होता है, ऑल इमोशंस। अच्छा, अब इसमें जो खाने में इमोशन है वो लेके आते हैं। बिल्कुल। यूपी का खाना आज हम बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश। अच्छा, कभी गए उत्तर प्रदेश? मैं पैदा ही उत्तर प्रदेश में हुई थी, लखनऊ में। अरे वाह, क्या बात है। मैं नहीं हुआ था लेकिन मैं रहा उत्तर प्रदेश में बहुत हूँ। और ये जो रेसिपी है ये है एक कचौड़ी की, तो इसके लिए एक काम करना है हमें। ये जो मेरे पास में आटा है उसको गूंदना है, तो इसके अंदर नमक। खाना बनाना कुछ सीखा है कभी? थोड़ा बहुत मतलब किसी पर मोहताज नहीं, काम चल जाता है। थोड़ा सा तेल और इसमें पानी डालकर गूंद लेना इसका। अच्छा। जो डो है वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए और एकदम हार्ड भी नहीं चाहिए। बीच। हाँ, तो वैसा इसका डो चाहिए। अच्छा, इसमें स्टफिंग करेंगे हम। और ये जो स्टफिंग है मूंग दाल की, ये लीजिए, ये हमने आटा, इसका आटा गूंद लिया। अब ये जो है कुछ देर तक रहने देना है। इसकी स्टफिंग के लिए तेल थोड़ा सा, और इसमें जो स्टफिंग हम बनाएंगे मूंग दाल से, इसको मूंग दाल को ऐसे ही डाल देंगे? नहीं, इसे नहीं, ये जो है मूंग दाल भिगोई हुई है, उसके बाद में मूंग दाल को पका लेना है। ये जो है, अच्छा, नॉर्मल ढंग से? हाँ, मतलब हाँ, लेकिन नहीं कुकर में नहीं, थोड़ा सा उबलते हुए पानी में ही, जब ये पकनी थोड़ी शुरू हो जाए फिर निकाल लें। अच्छा। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, नहीं तो मूंग दाल जो है बहुत जल्दी गल जाती है, एकदम हलवा हो जाती है। ये तेल हो गया गरम, क्या डाला? वही वाह, बहुत गुड। धनिया, ओके, उसके साथ साथ अदरक और हरी मिर्च, ये और अब इसमें ये मूंग दाल। चलिए आप मिक्स करें। हाँ हाँ, खाना तो बना है। मिक्स बहुत अच्छा कर लेते हैं। नमक और इसके साथ साथ थोड़ा गरम मसाला, लाल मिर्च और थोड़ी खटाई, ये जो खटाई है अमचूर। अब ये जो है इसे ड्राई कर लेना है हमें। ये अच्छा, ये जो अब स्टफिंग है हमारी मूंग दाल की कचौड़ी के लिए, अब इसे एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैश कर देते हैं। फर्स्ट क्लास, आप उसको मैश करें, मैं इसके जो पेड़े हैं वो बना लेता हूँ। ये पेड़े ज़्यादा बड़े नहीं, और अब ये जो है इसमें ये आ गई स्टफिंग। ठीक है, तो इसको अब कुछ देर रहने देते हैं। अच्छा, ये लिया, इसे थोड़ा सा बेला। मैं? हाँ, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, बेलना ही तो सबसे ज्यादा। नहीं, पहले बेलें थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा बेलें पहले, थोड़ा सा बेलें इसे, थोड़ा सा। देखिए, कुछ बेलना नहीं तो मतलब, मैं इसीलिए करा रहा हूँ कि सबसे बड़ी मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है, हो गया ना, बस बस
अब इसमें क्या करना है, जब स्टफ करने से पहले ना ये जो किनारे हैं इसको, किनारों को इसे पतला कर लेना जरूरी है। अच्छा, अब बीच में स्टफिंग, बस और अब इसे इस तरह से बंद करना है कि इसमें हवा नहीं रहे बिल्कुल। ओके, ये पोटली टाइप का एकदम। हाँ, पहले पोटली फिर बंद, और अब बस पेड़ा टाइप का इसको करना है। हो गया। अब इसमें ऐसा लगना चाहिए कि हवा नहीं होनी चाहिए बीच में, नहीं तो वो खुल जाएगी। और ये स्टफ करने के बाद थोड़ा सा इसे रेस्ट दे दें, ज़्यादा नहीं। इसके बाद बेलना होगा इसे? इसे तो बेलना होगा। अच्छा, ये जो है ये ले लिया और इसे बेलेंगे बस। और ये अब जाएगी गरम तेल के अंदर। तेल गरम है या नहीं है अभी पता चल जाएगा। गरम, इसे लाल करना है और ये नाश्ते के साथ सब्जी हो कद्दू की। हाँ, कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी। और ये पीठी वाली तो नहीं है लेकिन मूंग दाल की कचौड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया उपासना, बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्दी से आपने ये कचौड़ी पूड़ी बना ली। इतना सीखने को मिला, थैंक यू, तो मुझे कहना चाहिए। नहीं, कितनी सिंपल सी चीज़ है ना। बहुत टेस्टी, सब लोग बना सकते हैं। और आप तो यूपी के हैं तो आपको खुशबू पता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप आटा, नमक स्वाद अनुसार, 4 बड़े चम्मच तेल और तलने के लिए तेल, स्टफिंग के लिए 1/2 कप धुली हुई मूंग दाल, 2 बड़े चम्मच तेल, चुटकी भर हींग, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच अमचूर और 1 छोटा चम्मच सूखा धनिया। इसके लिए आटे में नमक, तेल और पानी डालकर गूंद लें। एक पैन में पानी लेकर इसमें मूंग दाल को थोड़ा पका लें और इसे छान लें। अब पैन में तेल गरम करके इसमें हींग, सूखा धनिया, अदरक और हरी मिर्च डालकर कुछ देर तक भूनें। इसमें मूंग दाल, नमक, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अमचूर डालकर मिक्स कर लें और इसे ठंडा करके थोड़ा पीस लें। भुने हुए आटे की गोलियां बनाकर इसे बेलें और इसमें स्टफिंग डालकर बंद कर लें और इसे बेल लें। एक कढ़ाई में तेल गरम करके इन कचौड़ियों को तलें और किसी किचन टॉवल पर निकाल कर इसे गर्मा गर्म परोसें। उत्तर प्रदेश में दिन हो या रात, खाने का बाजार हमेशा खुशबू से महकता रहता है और खासतौर से मुगलई प्रभाव उत्तर प्रदेश की बोली से लेकर जायकेदार खाने में हर तरह से झलकता है। लखनवी टुंडे के कबाब में ये खुशबू और स्वाद लाने के लिए यहाँ करीब 100 किस्म के विभिन्न मसाले डाले जाते हैं, विश्वास नहीं होता, चखिए। और अब बारी है आज की टिप की, घर में मंगोड़ी कैसे बनाएं? 1 कप मूंग दाल को पानी में 1/2 घंटे तक भिगो के रखें, फिर इसे छानकर मिक्सी में अदरक, थोड़ी हरी मिर्च और नमक स्वादानुसार डालकर पीस लें। फिर चम्मच की सहायता से किसी प्लास्टिक की शीट या प्लेट के ऊपर छोटी छोटी मंगोड़ी बनाएं और इसे धूप में अच्छी तरह से सुखाकर जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। आज के हमारे एपिसोड में उत्तर प्रदेश का खाना यानी यूपी का खाना बस इतना ही है। कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, खाने से तो कुछ ऐसा ही लगता है। आज के लिए बस मेरी तरफ से इतना ही। नमस्कार।